नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। जैसे जैसे मतदान प्रतिशत अपडेट हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। पिछली बार के मुकाबले करीब 3% मतदान में गिरावट के कारण हर किसी को आशंका है, चाहे वो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव हो, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, या फिर 4 मौजूदा सांसद, ये सभी कम मतदान से चिंतित हैं। हालांकि कम मतदान की कैफियत अलग अलग तरीके से दी जा रही है। भाजपा का कहना है विपक्ष के समर्थक मतदान करने निकले ही नहीं, जिसके कारण मतदान प्रतिशत गिरा। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाजपा के खिलाफ मतदाताओं के गुस्से ने मतदान को प्रभावित किया है। कारण चाहे जो हो, लेकिन अब चौथे और पांचवें चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दल भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में 13 मई को मतदान है, वहां पर चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। क्या राजनीतिक दलों की सक्रियता चौथे और पांचवें चरण के मतदान में वृद्धि करने में कामयाब होगी? और इतने गहन प्रचार के बाद भी मतदाता उदासीन क्यों नजर आया, आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको दिखा देते हैं। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि इंडिया गठबंधन दल की सरकार बनेगी, लेकिन उसके बाद सत्ता विस्तार उत्तर प्रदेश में और देश के प्रत्येक प्रांत में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सदन से सड़क तक मुखरता से इन सवालों को खड़ा करेंगे, इनके जवाब सरकार को देने होंगे, नहीं तो देश की जनता वोट की चोट से इनको सरकारों से बाहर करेगी। सरकार और हम सब लोग मिलकर लोग अधिक से अधिक मतदान करें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति सामने आ रही है, जिस प्रकार का विश्वास लोगों का मोदी जी और योगी जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उससे विपक्षी दलों के लोगों ने पहले ही अपनी हार सुनिश्चित मान ली है। और आप देखेंगे जब बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगा, तो निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़े करेंगे, पुलिस प्रशासन पर प्रश्न खड़े करेंगे। तो निश्चित रूप से जो 3 चरणों में चीजें सामने आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बड़ा जन समर्थन मिलने से ये लोग घबराए हुए हैं। 3 चरणों के बाद भी दावे अपने अपने हैं और चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार में मुस्तैदी, तमाम मुद्दे प्रचार प्रसार में भी है, ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन क्या 3 चरणों में जो करिश्मा नहीं हो पाया, यानी मत प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा है, वो चौथे चरण में बढ़ेगा, चौथे पांचवें चरण में बढ़ेगा? मिलियन मेहमानों से हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं, तो क्या मुद्दे निकालेंगे जनता को, वोटर को घरों से बाहर, या फिर जनता इस बार कुछ करिश्मा दिखाएगी, या फिर मन बदलेगी, या मेहनत करेंगे कार्यकर्ता और ज्यादा? प्रशांत राठौर साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशांत जी स्वागत। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए, स्वागत सर। आरिफ अबीब खान सपा से हमारे साथ बने हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। आरिफ साहब हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, माफ कीजिए। नावेद शिकोह साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद साहब आपका भी स्वागत। नावेद साहब आप क्या देख रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार, बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं और अभी और तेजी दिख रही है 3 चरणों के बाद, चौथे और पांचवें चरण में मुझे लगता है और भी ज्यादा जो है तेजी और दिखाई जा रही है। प्रियंका जी का भी दौरा और किस तरीके से अडानी अंबानी की एंट्री फिर हो जाती है, आपको लगता है ये तमाम मुद्दे पिछले 3 चरणों से ज्यादा चौथे पांचवें चरण में ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, क्योंकि इनमें भी कुछ नया तो नहीं है ना? जी बिल्कुल, हम सब उम्मीद करते हैं कि वोट जितना पड़ रहा है अभी 3 फेसेस तक जो पड़ा है उससे ज्यादा पड़ना चाहिए, क्योंकि 3 चरणों में जो वोट पड़ा है वो पिछली बार की अपेक्षा कम पड़ा है और ये चिंता का विषय है और ये हम सब की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी भी है, मीडिया की जिम्मेदारी भी है, विपक्ष की जिम्मेदारी भी है, खासतौर से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अधिक से अधिक वोट पड़े, क्योंकि 70+ कम से कम पड़ना चाहिए, क्योंकि ये नया भारत है। भारतीय जनता पार्टी कहती है और ये बात सच भी है, ये नया भारत है, ये डिजिटल युग है, यहाँ घर बैठे सारी सूचनाएं पहुंच जाती हैं, जागरूक किया जा सकता है, हमें वोट की कीमत पता है, हमें अलग अलग दलों के मुद्दे पता है, हमें पता है कि हमारा वोट जो है वो देश की तस्वीर बदल सकता है, हमें पता है कि हमारी तरक्की के रास्ते खोल सकता है, हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि जो है वो हमारी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उसके बाद भी आज के युग में, साइंटिफिक युग में, डिजिटल युग में, मोदी सरकार में चुनाव आयोग कहीं ना कहीं क्या कहीं कुछ कमजोर है, क्या सरकार कुछ लापरवाही कर रही है, क्या विपक्ष को लेकर भी उदासीनता है, क्या हम और आप भी कमजोर हैं,
जो जागरूकता नहीं पैदा कर पा रहे हैं, कमियां बहुत सारे लोगों में है, लेकिन उम्मीद हम सब करते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, आगे कम से कम अधिक से अधिक वोट पड़े। और उत्तर प्रदेश तो बहुत महान, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या है। कहा जाता है उत्तर प्रदेश जो है वो केंद्र की दिल्ली की सरकार तय करता है, यहाँ उत्साह होना चाहिए, यहाँ एक बहुत ही मजबूत सरकार है, योगी सरकार है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है। सरकार की अगर माने तो बहुत सारी योजनाएं हैं जनता के लिए, बहुत कुछ द्वार खुले हुए हैं, राम मंदिर का उत्साह है, राम मंदिर की भावनाएं हैं, उसके बाद भी अगर 70+ भी नहीं हो पा रहा है हमारा मतदान, तो कुछ ना कुछ तो कमी है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, हमें और आपको नहीं, सबको, खासतौर से चुनाव आयोग। बिल्कुल प्रशांत जी, मेहनत की जा रही है, तमाम प्रचार प्रसार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो नए मुद्दे ऐड ऑन हुए हैं, जिसमें सैम पित्रोदा की फिर से एंट्री हो जाती है और अडानी अंबानी की फिर से एंट्री हो जाती है, वहां राहुल जी बताते हैं कि मुद्दों से ना भटके, मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है, प्रियंका गांधी अंधेरे में प्रचार प्रसार करने पहुँच जाती हैं, अब तक जो मुद्दे आए उनमें से जुड़े हुए लगभग ये मुद्दे हैं, क्या ये एक्साइटेड करेंगे वोटर्स को, उत्साह भरेंगे वोटर्स में, और अब तक जो ना हो पाया वो करिश्मा देखेगा, 70+ तक जाएगा वोटिंग परसेंट, क्या मान रहे हैं, कहां कमियां रह रही हैं आप लोगों के द्वारा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में पिछले 10 साल, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में पिछले जो 10 साल है उसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, जो काम किए गए, हम उसको लेके जनता के बीच में गए हैं। और जहां तक कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की बात है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ, विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है। लेकिन हमारा जो बेसिक एजेंडा है और जो मुद्दा है वो हमारे मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ही हम जा रहे हैं। चुनाव के बीच में विपक्ष के द्वारा कुछ मुद्दे ऐसे बीच में दिए जाते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास तो कोई विकास का मुद्दा तो है नहीं, ना विकास पे वो राजनीति करना चाहते हैं, ना वोट मांगना चाहते हैं, तो उसको जब इस प्रकार के मुद्दे आते हैं तो चुनाव में मुद्दे भटकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ताधारी पक्ष है तो उसको इन सब जो मुद्दे उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा उन पर जवाब देना पड़ता है। लेकिन जनता आस्था, अस्मिता और अर्थव्यवस्था, आजीविका, इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करती है और हम इन्हीं को लेकर जनता के बीच में है। निश्चित ही रूप से तीन चरणों में भी आप इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में थे, और आप चौथे और पांचवें चरण में भी कुछ नया बदलाव नहीं कर रहे हैं, यानी कोई प्लान नहीं है आपके पास, या कोई और कोशिशें नहीं है जो वोटर्स को बाहर लेकर आ सके? नहीं बदले हैं हमारे मुद्दे, बिल्कुल नहीं बदले हैं। एड ऑन करने की बात कर रही हूँ। हाँ, बूथ स्तर पर लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में, हमारे जो पन्ना प्रमुख है हम उनको बोल रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वोटर्स को निकालें, क्योंकि गर्मी का भी मौसम है और इससे भी लोग थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन पार्टी के अपने स्तर से पूरी प्रयास है कि वो अधिक से अधिक मतदान में बढ़ोतरी करें। आपको लगता है 370 वाला मुद्दा, और क्योंकि 370 हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा पड़ने चाहिए, ये भी आपकी स्ट्रेटेजी थी, और उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा, ये उतनी हवा क्रिएट नहीं कर पाया जितना एक्साइटेड होना चाहिए वोटर? मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और वोटर दोनों ही उत्साहित है, उत्साह की कमी तो जो है वोट परसेंट में नहीं दिख रहा ना सर, आपके और मेरे कहने से थोड़ी ना होगा, वो वोट परसेंट में नहीं दिखाई दे रहा, तीनों चरणों में नहीं दिखा। वोट परसेंट किसका कम हो रहा है, किसकी तरफ से कम हो रहा है, इस बात का अभी तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, ये 4 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि विपक्ष की तरफ से जो निराशा है उनके कार्यकर्ताओं में, उनके वोटर्स में, उसको लेकर भी वोटिंग परसेंटेज थोड़ा डाउन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से मैदान में है, वोटर्स को ज्यादातर निकालने की प्रयास कर रहा है। संभल संसदीय क्षेत्र जहां चंदौसी जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है, यहां पर भी वोटिंग परसेंट कम हुआ। परमेश्वर साहब इसी जो प्रत्याशी रहे वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, गुलाब देवी जी आपकी गवर्नमेंट में मिनिस्टर है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, यहाँ पर भी वोट परसेंट कम हुआ। जहां पर आपके MLA है, मैं बात कर रही हूँ वहां, अगर मैं टूंडला विधानसभा की बात करूं, फिरोजाबाद की बात करूं, यहां आपका अच्छा वर्चस्व है, यहां पर भी वोटिंग परसेंट डाउन जाता है। पिछले बार 61 था, इस बार 56 आ जाता है, और फिरोजाबाद में 53 था पिछली बार, इस बार 51 आ जाता है। तो ये वोटिंग परसेंट ही तो दिखा रहा है सर कि किसका वोट परसेंट कम हो रहा है, कहां कम हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से पिछली बार की तरह कुल मतदान कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये किसके लिए नुकसानदायक है, किसके लिए लाभदायक है, ये तो 4 जून को स्पष्ट हो जो जाएगा। आपके क्षेत्र हैं, जहां आपके मिनिस्टर हैं, जो उनका घर है, वहां से भी वोट परसेंट कम आ रहा है। देखिए हमारी तो 80 में से 64 सीटें हैं, ठीक है। ये जो 3 चरणों में जहां मतदान हुआ है 26 सीटों पे, उनमें से 19 सीटें हमारे पास है, लेकिन सभी जगह मतदान कम हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमारी सीटें हैं इस वजह से कम हो ठीक रहा है। है। इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष का उत्साह होना चाहिए चुनाव में वो नहीं है, जिसकी वजह से जो वो 14% बढ़ना चाहिए। जब जब आप देखिए, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है और सत्ता पक्ष के खिलाफ वोटिंग होती है, तो बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स बाहर निकलते हैं, बड़ा मतदान होता है। तो वोटिंग जो परसेंटेज इस बार कम हुआ है, वो ठीक है, मेरा ये अनुमान है कि सत्ता पक्ष में ऐड हो गया हूँ। निराशा को लेकर है। हाँ ज्वाइन हो गया, ज्वाइन। अनिल सर ठीक है, शायद कोई और गेस्ट भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, मैं लौटूंगी उनके पास। ठीक है अनिल जी, जी यही कुछ सहसवान गुन्नौर विधानसभा में हमने देखा, बदायूं की, बदायूं संसदीय क्षेत्र में। यहां पर भी सपा फंसती हुई दिखाई दे रही है। आदित्य साहब, हालांकि उनकी तरफ से कोशिशें की गई, धरने पर भी बैठे वो, ट्रिपल बी, बदायूं, बिसौली, बिलसी, यहां पर भी कम वोट पड़े हैं सर, जिस मजबूत जहां पर आप रहते हैं वहां पर भी। पारुल जी, जी सर, सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूंगा सभी चैनल पर बैठे हुए पैनलिस्ट और वरिष्ठ हमारे बड़े भाई नवेश शुक्ला साहब को। देखिए परसेंटेज जिस प्रकार से कम हुआ है, ये सरकार के खिलाफ उन नौजवानों का आक्रोश है। बहुत से नौजवान इतने नाराज हैं सरकार से कि वो वोट डालने तक नहीं निकले। आपसे भी नाराजगी थी बहुत फिर? से देखिए आपको हमसे वोट जो करने आना नाराजगी है वो चाहिए। चुनाव नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं हमसे नाराजगी क्या है। हमसे कोई नाराजगी किसी प्रकार की नहीं। हमने जहां भी प्रचार किया, जहां भी क्षेत्र में हम लोग गए, वहां से मतदाता निकला है। और मतलब मतदाता के अंदर जो जोश है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रति, निश्चित समझ लीजिए इससे बीजेपी के अंदर बौखलाहट है। सबसे बड़ी बौखलाहट तो इस बात को देखने को मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री कि भाषा शैली में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। कहां वो जिस प्रकार के भाषण दिया करते थे, उन भाषणों में बिल्कुल उलट हो गया। मंगलसूत्र की बातें करने लगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे, 3 कमरे 2 कमरे हैं तो 1 कमरे पर कब्जा कर लेंगे। अरे भाई आजादी से लेके आज तक क्या किया इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस या सपा सरकार ने इस प्रकार की कोई कृत्य किया है? देश की जनता नहीं जानती क्या मंगलसूत्र छीनने का काम कांग्रेस का है? तो देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए गर्ममय पद पर तो बैठने नाराजगी के भी, बाद नाराजगी भी ईवीएम पर नहीं दिखी ना सर? आपका आरक्षण वाला मुद्दा या फिर संविधान बदल जी देगी बीजेपी, वो मुद्दा भी काम नहीं आ रहा ईवीएम में, उसमें भी कोई बदलाव नहीं कर रहे आप चौथे और पांचवें चरण के लिए। इसके लिए बदलाव सबसे बड़ा ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी बीजेपी के नेता प्रचार में जा रहे हैं, उनको बहुत से गांव देहातों के अंदर तो घुसने तक नहीं दिया जा रहा। उनके प्रति इस प्रकार गुस्सा है जनता के बीच में। कई आगरा फतेहपुर सीकरी में कई गांव तो ऐसे हैं 2-3 जिन्होंने बिल्कुल वोटों का बहिष्कार कर लिया। एक गांव में तो 9 वोट पड़े, एक तो में वो 0 आपको भी पड़े। नहीं देने आ रहे ना, बहिष्कार ही कर रहे हैं। नहीं हमको नहीं, उन्होंने तो पूरा बहिष्कार किया। लेकिन कई गांव ऐसे जहां बीजेपी के वर्तमान सांसद को माफी मांगनी पड़ी, इसके बावजूद भी लोग नहीं आए वहां। और वहां की स्थिति यह है कि वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर 20 गाड़ियां तो खुद लेकर चल रहे हैं। एक प्रत्याशी 20 गाड़ियां लेके खुद चल रहे हैं, ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? जिस प्रकार की मर्यादित भाषा का प्रयोग बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्या संवैधानिक व्यवस्था है ये? चुनाव आयोग क्यों नहीं इनके प्रति कोई कार्रवाई करता? यही भाषा की शैली का अगर इस्तेमाल राहुल जी ने कर लिया होता, खड़गे जी ने कर लिया होता, तुरंत सम्मन भेज दिया होता। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था में इस प्रकार जिस प्रकार की वोटिंग अप हुई है, ये निश्चित समझ लीजिए इंडिया गठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है। और बहुत अच्छा रुख जनता का इंडिया गठबंधन को जो प्यार मिल रहा है, ये देखने को मिलेगा। जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है उसको पूरी ताकत के साथ वोट मिला है, कांग्रेस का प्रत्याशी तो ताकत के साथ वोट मिला है। और बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी घबराहट इसी की है कि वोटर अब की बार साइलेंट रहा है, और जो अंदर गुस्सा था वो अंदर ही रखकर सीधा वोट की तरफ निकाल दिया है, और ज्यादातर वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। ये घबराहट इंडिया में बीजेपी पार्टी को खल रही है और इनके सहयोगी पार्टियों को खल रही है।
इसलिए इस तरह की बयानबाजी इनके प्रति आ रही है। कांग्रेस ने या इंडिया गठबंधन ने 3% बड़ा आंकड़ा होता है सर फतेहपुर सिकरी, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो राहुल जी प्रियंका जी उनके भी प्रचार प्रसार देश के किसी भी कोने में बैठकर हो रहे हों, लेकिन आपके फतेहपुर सिकरी तक पे प्रभाव नहीं डाल पाए। 3% वोट डाउन हुआ है यहाँ पर। ये वोट परसेंटेज जो डाउन हुआ वो बीजेपी का हुआ, वो कह रहे हैं आपका हुआ, आप कह रहे हैं उनका हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका समीकरण बता देता हूँ आपको। बीजेपी के पदाधिकारी खुद नाराज है, 20 पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पूर्व सांसद इन लोगों के खिलाफ पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं पार्टी के अंदर कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इन लोगों ने पार्टी में विद्रोह किया। बीजेपी के वर्तमान विधायक के बेटे खुद चुनाव मैदान में थे, बोले बीजेपी सांसद को हराइए भले इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना पड़े, और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार जी के साथ ये मैं खुद अपने प्रचार में रहा हूं, ये स्थिति रही है कि गांव देहात के अंदर उनको रोक लिया गया कई जगह, रोको और रोकने के बाद उन्हें वोट और नोट दोनों तरीके से सपोर्ट किया गया। बात यही है ना सर, अगर उनसे नाराजगी है तो आपके पक्ष में वोट पड़ने चाहिए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट पड़ने चाहिए, और अगर वोटर दिखे तो कहीं तो दिखे। अच्छे बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, सपा से हमारे साथ आरिफ साहब जुड़ गए। आरिफ साहब एक बार फिर से आपका स्वागत। आरिफ साहब, जो वोट परसेंट अभी तीसरे चरण का निकल कर सामने आया उससे हम आकलन कर रहे थे कि क्या चौथे चरण के लिए मेहनत अब और ज्यादा तेजी से होगी और जो जुबानी बाण है वो और भी तीखे हो जाएंगे, तो अब उसको लेकर आकलन किया जा रहा है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आप आगे जा रहे हैं और कोई प्लान बी भी नहीं है दोनों ही दलों के पास कि वोटर को निकाला कैसे जाए। चुनाव आयोग की अपनी तैयारी है, आप लोगों की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। आरिफ साहब, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ कि मेरी तैयारी नहीं है। देखिए, वोट प्रतिशत जो भी आ रहा है वो किसके पक्ष में जाएगा आप खुद बता दिए, स्वाभाविक सी बात है जो लोग वोट। नेटवर्क इशू है सर आपके यहाँ से, मैं लौटूंगी आपके पास, चेक कर लेते हैं हम। नवीद साहब, यही सवाल मैं आगे लिए जा रही हूँ, और ये तो आकलन खैर कोई कर ही नहीं सकता अभी बैठकर कि 4 तारीख को किसका पलड़ा भारी होगा कौन। हेलो जी आरिफ जी, कंप्लीट कीजिए बात अपनी, आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था। जो लोग 10 साल की सत्ता में नौकरियां नहीं दे पाए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जिन्होंने कहा था कि महंगाई बहुत ही, फोन पे कनेक्ट कर लीजिए प्लीज क्योंकि ऐसे डिस्टर्ब होगा और हम डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। नवीद साहब, तो मुद्दे तमाम है और कोशिशें शायद नाकाम साबित हो रही हैं, ये वोटर ने डिसाइड कर लिया या तो ये 400 पार जा ही रहे हैं मैं क्या करूं जाके, या फिर वो जो 400 पार का आंकड़ा है वो नेगेटिव भी चला गया है, दूसरा ये बैकफायर तो किया है, उसके बाद क्या जो बोगस वोटिंग की खबरें आ रही थी कि हुआ है नहीं हुआ है, ये कहा गया कि बोगस वोटिंग होने नहीं दी गई, ये फैक्ट देखा गया, और चौथे चरण से पहले आपको लग रहा है कि धरातल पर प्रयास हो रहे हैं दलों के, कोई ऐसी खबर जो बताए कि प्रयास हो रहे हैं। आपके सवालों में बहुत सारे जवाब हैं, आप टू द पॉइंट अपने विषय को पूरे तरीके से मुखरित करती हो, और मुझे लगता है कि आपने जो सवाल किए उसमें जवाब है। ठीक है, जो वोट कम होने की फिक्र आप जाहिर कर रही हो उसका जवाब साफ तौर से है, सत्ता विपक्ष दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कमी है, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा बहुत कम समय में। जैसे अभी आपने कुछ सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो सीटें रही जिसमें डिंपल यादव भी हैं, जो बहुत मुलायम सिंह यादव की जो सीट रही है जिसको इसी साल इसी वर्ष के अंदर ऐतिहासिक जीत जिस पर हुई वो, और तमाम मुलायम परिवार के जो सदस्य लड़े थे चुनाव जिसमें पूरी समाजवादी पार्टी ने अपनी जान झोंक दी थी, वहां भी वो अपने वोटरों को भी उस शिद्दत से नहीं निकाल पाए जितना निकालना चाहिए था। डिंपल जी ने ऐतिहासिक, वो हालांकि श्रद्धांजलि थी, कहीं ना कहीं एक सिंपैथी थी मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद, लेकिन उस शिद्दत से वोट नहीं वहां भी नहीं पड़ा। विपक्ष के प्रति भी लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है और सत्ता के प्रति भी लोगों का विश्वास नहीं है। मैं इस बात को बहुत कम समय में बता दूं कि देखिए, हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में और यूपी की राजनीति को बहुत करीब से देखा है बतौर वोटर और बतौर पत्रकार। मैं आपको बता दूं, दुर्भाग्य ये रहा कि लखनऊ में 27-28% तक वोट कम, इतना कम पड़ा है, ये उस जमाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी जब हाशिए पर थी उत्तर प्रदेश में तो यूपी
खासतौर से लखनऊ का वोट बहुत कम पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक में जितनी तेजी से उभरी उतनी तेजी से वोट प्रतिशत बढ़ा। 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखिए, भाजपा ने एक उत्तर प्रदेश को पूरे अपने कब्जे में ले लिया, लगभग 80% 90% सीटें निकालने शॉर्ट में कंप्लीट करना होगा, तो बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तो जो जो वोट प्रतिशत बढ़ा वो सीटें बढ़ी। तो इस बार अगर वोट कम पड़ रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि भाजपा दोनों तरफ से उदासीन, दोनों तरफ से। हाँ जी आरिफ साहब, देखिये मैं ये कह रहा था कि आज जो वोटर निकल रहे हैं वो वोटर इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही निकल रहे हैं। पक्ष में इसलिए निकल तो रहे हैं, 30 लाख नौकरियों का हमने वादा किया। नहीं मैं ये उत्साह देख के बता रहा हूँ, हम लोग भी क्षेत्र में है ना। अगर आप क्षेत्र में है तो मैं भी क्षेत्र में हूँ, मैं भी ग्राउंड लेवल पर हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा। ये एंटी इनकमबेसी है 10 साल की, जबरदस्त एंटी इनकमबेसी। और जो वोटर्स नहीं निकल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मेरे संबंध है। वो कह रहे हैं कि हमारे घर में भी लोग बेरोजगार है, हमारे घर में भी महंगाई का असर है, इसलिए हम वोट नहीं वोट देकर नहीं निकल रहे हैं। हम निकल के दूसरों तक जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इतने क्या वोट देकर नहीं निकल रहे हैं। और जो लोग सत्ता को बदलना चाहते हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में दे रहे हैं। और तीसरा ये है ना, अभी मैं वो डिटेल बता चुकी हूँ, दोबारा दोहराना पड़ेगा कि जहाँ पर आपका दबदबा है, जहाँ पर आपका दबदबा है, जहाँ यादव वोटर्स की बहुतायत है, वहाँ भी वोट परसेंट कम पड़ रहा है ना सर, इसीलिए तो ये चर्चा करना जरूरी हो जाता है। प्रशांत जी छोटी सी टिप्पणी, एंटी इनकम्बेंसी भारी है, आपको परेशान करने वाली है। देखिए जो हमारे एनडी गठबंधन के साथी बता रहे थे कि जो मत पड़ रहा है वो एनडी गठबंधन के लिए पड़ रहा है, जो नहीं पड़ रहा है वो एनडीए गठबंधन के लिए पड़ा है। उनको बता दूं कि जब सत्ता बदलने के लिए डिबेट हो जाने दीजिए, थोड़ी सी डिबेट हो जाने दीजिए क्योंकि बहुत कम समय है, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। मैं कह रहा हूँ कि जब सत्ता पक्ष को बदलने के लिए वोट पड़ता है तो बड़ी संख्या में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है और एक जुनून होता है कि नहीं इस बार सरकार को बदलना है, वैसा उत्साह कहीं भी नहीं दिखा है। बल्कि आपको लगता है कि जुनून 2014-19 में था तो वो बदलने के लिए था, 19 में क्यों था वो जुनून, वो बदलने के लिए था, फिर क्यों आ गए आप 19 में सरकार बना के, कौन सी थ्योरी दे रहे हैं सर? जी मैं बता रहा हूँ ना, और मैं इंडी गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ। स्मॉल स्मॉल आंसर अनिल जी, छोटी छोटी सी टिप्पणी, चाहे चाहे वो समय थोड़ा कम है सर, एक सर अनिल जी को भी मैं एक मौका दे दूँ अपनी बात रखने। मैं एक मिनट में अभी बात कर रहा हूँ, चाहे वो समाजवादी एक मिनट है नहीं है ना सर, 30 सेकंड है मेरे पास। अखिलेश यादव जी हो, आखिरी दिन वो डिसाइड कर पाए कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये डर का आलम है समाजवादी पार्टी का। रायबरेली में भी एक दिन पहले आप लोगों ने डिसाइड किया कि कौन चुनाव लड़ेगा, तो ये रणनीति आप दलों की। छोड़िए अनिल जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। राहुल गांधी ये हुजूम जो आपके अखिलेश जी रथ पर खड़े हो जा रहे हैं, वहाँ से हाथ हिला रहे हैं, नीचे हुजूम दिख रहा है, वो मशीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है प्रशांत जी, प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट प्रशांत जी, समय मेरे पास कम है जी, कही अनिल जी, जो हुजूम वहाँ पे रैलियों में दिख रहा है सभाओं में, वो मशीन पर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए रैलियों में जो हुजूम होता है वो झूठ, देखिए सियासत के अंदर। अरे अखिलेश जी की बात कर रही हूँ, वो भी झूठा है क्या? ना अखिलेश जी की तरफ झूठा है, ना राहुल जी की तरफ झूठा है, ना किसी और की तरफ झूठा है। वोट परसेंटेज जो हुआ है उस परसेंटेज में कोई बहुत खासा अंतर नहीं आया है। रही बात जनता की, जनता ने जो मतदान किया है अब की बार बहुत साइलेंट होकर एक तरफा मतदान किया है। ये संदेश की, ये प्रदेश की जनता है, ये जब बदलाव जब चाहती है तो एक तरफा बदलाव लाती है। और ये देखिए समझ लीजिए, भाजपाइयों के चेहरे के होश फाकता है। ठीक है अनिल जी, मेरा सवाल इसलिए आपसे अखिलेश जी को लेकर था क्योंकि महज एक ही सीट पर इस चरण में आप लड़ रहे थे और वहां पर भी बहुत बड़ा कोई करिश्मा दिख नहीं रहा है। खैर 4 जून को पता चलेगा कि इन तीनों चरणों में कितनी सीटें किसके बाद गई और आगे आने वाले चौथे चरण में भी हमको पता चलेगा कि आप लोगों ने जो इतने कॉन्फिडेंटली बातें की वो चौथे चरण में जो मतदान हो रहा है या ईवीएम बता रही है कि कितना प्रतिशत आता है वो हमको पता चलेगा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ आप लोग जुड़े, समय दिया। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, 3 चरण हो चुके हैं, तीनों चरणों में भी इन दलों ने कोई करिश्मा नहीं दिखाया, ऊपर से बीएसपी भी अब फाइट कर ही रही है, उनके जो कैंडिडेट हैं वो इस तरह के बयान दे जाते हैं जिसमें बीएसपी से चौधरी बशीर जी है एंड टाइम पर कहते हैं
जो मुस्लिम हैं वो सैफई परिवार के गुलाम हैं, इस तरह के बयान दे जाते हैं, तो वो कि एंड टाइम पर इस तरह के बयान देना किसके पक्ष में जाता है, या उनका कोई पर्सनल कोई ऐसी रणनीति प्लान की हुई थी? उसके बावजूद भी जाते जाते ईवीएम पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम कहें कि कोई करिश्मा हो गया। तीन चरण बीत चुके हैं, चौथे पांचवें छठवें सातवें चरण तक ये हम जो वोटिंग है वो होता हुआ देखेंगे, चार तारीख को नतीजे आएंगे, और इन चरणों में मत प्रतिशत नहीं बढ़ा तो बहुत मुश्किल सभी दलों के लिए हो जाएगी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, तो प्रयास करना जरूरी है और नई कोशिशें भी करने की जरूरत है, लेकिन शायद वो धरातल पर दिख नहीं रही। बयानों प्रचारों से उम्मीदें लगा रहे हैं कि जनता निकलेगी वोट कास्ट करेगी। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।